हाय कुंजू, आज तू इतनी प्यारी लग रही थी ना, पहचानी नहीं जा रही थी आज। चल झूठा, खुदा की कसम मेरी तो उफ निकाल दी आज तूने। इसे अगर मुझे पता होता ना, वो बदतमीज नचली कमीनी लड़की बड़े होकर इतनी खूबसूरत हो जाएगी, मैं बचपन से तेरे नखरे उठाता। अच्छा अब ज्यादा बकवास मत कर। अरे सच बोल रहा हूँ यार, इतनी हसीन लग रही थी, इतनी क्यूट लग रही थी, मैं बता नहीं सकता। तो तेरा क्या ख्याल है, मैं तेरी तरह बंदर की बंदर ही रहती? बंदर कुत्ते जैसी हालत हो गई है मेरी, तेरे हारून भाई और तेरे मुर्शिद साईं के आगे ना सुबह शाम से दुम हिलाता फिरता हूँ और कुछ नहीं। तो मैं भी तो रोज थप्पड़ खाती हूँ यहाँ तेरे नाम के। जैसे हार्ट टूटे तेरी माँ। अच्छा वैसे वो अरुण तुझे तंग तो नहीं करता? नहीं बिल्लू, हारून भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। हाँ वो दिखता है मुझे और इसीलिए इतनी नफरत करता है। पता मैं तुझे बता नहीं सकता उसने मेरे साथ किया क्या है। मुझे पटक के रख दिया जमीन पे यार। है अल्लाह क्यों? वो बैठी हुई थी, मैंने मोबाइल से तेरी वीडियो बना ली जब तू नाद पड़ रही थी, वो उसने देख लिया। अजीब खदे का बच्चा है यार, इतना मारा मुझे उसने, वो सब मैं तेरी वजह से चुप हो गया, वरना ना मैं कसम से। अच्छा बिल्लू मेरी बात सुन, इस पूरे घर में एक हारून भाई तो है जो कितना लड़ते हैं हमारे रिश्ते के लिए, और मुर्शिद साईं वो भी कितनी सुनते हैं उनकी, अगर जरा सा भी इशारा दिया ना उन्होंने तो तेरा तो काम हो गया। इसलिए मेरी मान थोड़ी सी बना कर रख उनसे। हाँ यार कर तो रहा हूँ जितना कर सकता हूँ, तू ना बस एक काम कर कि बीबी साहिबा से बना कर रख, मुर्शिद साईं का रिमोट बीबी साहिबा के हाथ में ही है और हमारी सारी स्टोरी उन्होंने तो बराबर करनी है। नहीं नहीं मुर्शिद साईं तो खुद बहुत अच्छे हैं, इतने बड़े बुजुर्ग होने के बावजूद देख कैसा झूठ बोला उन्होंने हमारे लिए। तो मैं भी तो जूते सीधे कर रहा हूँ ना लोगों के यहाँ पर। तुझे पता है बिल्लू, जब मैं पहले पहले उनसे मिलती थी ना तो उनके हाथ पे बोसा देती थी, लेकिन वो कभी मेरी तरफ नहीं देखते थे, बस आराम से चले जाते थे। लेकिन आज कितने प्यार से देखा उन्होंने मुझे, सर पे हाथ भी रखा, कितना नूर है ना उनकी आंखों में और उनकी मुस्कुराहट कितनी मीठी है। अच्छा अच्छा बस तू मेरे सामने किसी की इस तरह तारीफ मत किया कर, अंदर ना मेरी जलन होती है। बिल्लू मुर्शिद है हमारे। मुर्शिद हो या कोई भी, मेरे सामने मत किया कर। अच्छा वैसे एक बात बता, तू वही बिल्लू है ना जो बचपन में मेरी चीजें जलाकर खुश होता था? हाँ कुछ अब तो मैं तेरे लिए जल रहा हूँ यार, बस कुछ कर तू, बीबी साहिबा से बात कर और शादी की कहानी डाल दे, मुझसे नहीं रहा जाता अब तेरे बगैर। मेरे एग्जाम्स हैं, शादी के बच्चे। छोड़ देना यार एग्जाम वगैरह, मैं बैठा हूँ ना यहाँ पर, क्या करेगी पढ़कर? अच्छा ना फोन बंद कर, तैयारी करनी है मुझे। एक मेरी बात सुन, मैं हूँ ना, मैं ऐसी जगह तेरा सेंटर लगवाऊंगा ना, तू नोट्स खोल के सामने देख कर पेपर देना। बकवास मत कर, तेरी तरह नहीं हूँ मैं। ना करना यार कुंजू, तू समझती क्यों नहीं है यार। वैसे आज तूने जिस स्टाइल में मुझे देखा है ना, वो देखने के बाद मुझे अब नींद नहीं आने वाली। या अल्लाह तू दिलों के हाल और भेद बेहतर जानता है, मैंने तबीबों पर भरोसा करने में खता की, मेरा कसूर माफ करना। मैं क्या अर्ज करूं, तू हमारे इस्तेदार से बाखबर है। हमारा हाल और तबीबों का आदम तवक्कुल और तर्क
इंशाल्लाह तेरे लुत्फ़े आम के सामने कोई अहमियत नहीं। हमारी हाजतों की पनाह का, मेरी महबूबा को शफा अता फरमा। रोते रोते बादशाह को ऊंघ आ गई और जाग गई किस्मत। बशारत मिली कि कल एक मुसाफिर तेरे पास आएगा और उसके इलाज से एक नीज को शफा हो। बादशाह बड़ी बेताबी के साथ कल से उधर नजर मत आना। राह देखने लगा, एक बुजुर्ग सूरत शख्स दूर से। बिलाल, क्या बंदरों की तरह छलांगे मार रहा है? सीधे दरवाजे से बुलाती तो इंसान की तरह आते, छत से तो ऐसे आ जाता है। सीधे रास्ता ना हमारे नसीब में है नहीं। क्यों, तेरी माँ तेरी रुखसती छत से करा रही है? इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर, सारा इश्क दाता चंगेरा। इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर, सारा इश्क दाता चंगेरा। उड़ उड़ रुखसती होगी नहीं बेटा, वो तो भूल जा। देख अगर तुझे ये लग रहा है ना कि मैं तेरे घर में घरदमाद बनूंगा तो बेटा भूल है तेरी। तेरी माँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। वैसे वो भी ना तुझ पर सिर्फ लानत ही भेजती है। अच्छा, और उसकी बेटी? वो भी पढ़ा रहा था। हटा अपनी दो टके की मोहब्बत, देखिए मैंने कितना प्यार करता है तुमसे। दो दिन के लिए तुझसे मुर्शिद सिंह के घर में नहीं बैठा गया, यहाँ पे रिश्ता कहता है वो, फौरन भाग के आ गया तो। अरे मैं कहाँ भागा था यार, तू ने बिचवाया था मुझे, मैं नहीं भागा था। हाँ तू तो अब यही बोलेगा ना, तेरी माँ ने जितनी मिन्नतें की है ना उनकी, तुझे भेजते नहीं तो और क्या करते? कब की मेरी माँ ने मिलती? ठीक है कह ले तूने जो कहना, लेकिन सच तो यह तूने सब कुछ तोड़ दिया। भला मैं इतराती थी मैं खुद पे, मुझसे जो प्यार करता है वो लोगों की जूतियाँ सीधी कर रहा है। अल्लाह की कसम खाकर बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोलूँ ना मेरी माँ मर जाए। तेरे ना मुर्शिद साहब के मैंने पैर पड़े हर चीज़ की है, उन्होंने खुद मुझे यहाँ भेजा है। बोलते हैं कि जा अपनी माँ की खिदमत कर, चाचा से मेरा बैग पैक कराया तू ये समझ के मुझे बस घर के आगे आगे फेंक दिया। कर अपनी माँ की खिदमत, कर मेरी माँ के मरने का इंतजार। जब तक वो जिंदा है ना फिर रिश्ता तो नहीं होगा। गजू बात बात सुन कर, ये तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? मैंने कितनी तकलीफ काटी अपनी आंखों से तुम्हारे ख्वाब खोजने के लिए।
और तुम दोबारा अपना चेहरा लेकर एक नए वजूद की सूरत में मेरे सामने आके खड़ी हो गई। कितनी मुश्किल से तुम्हारी आवाज को बाहर निकाला था मैंने, आज फिर वही आवाज किसी और लहजे में गूंजने लगी है मेरी खामोशी। तुम क्या कर रही हो बेटा? मैं खुद को घसीट घसीट के निकाल रहा था तुम्हारी यादों से और तुम फिर से धकेल दिया एक ऐसे मंजर में जहां तुम्हारी शोखी और मस्ती आप मासूमियत और सादगी की तस्वीर बनकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैंने कितने जतन करके तुम्हारे वो आंसू अपने हलक से उतारे जो लंदन के एक यख बस्ता बेंच पर तुम्हारी आंखों से गिरे थे। मगर आज 5 साल बाद तो मुझे मेरे शहर की एक गली में मुस्कुराती हुई नजर आ गई। अब क्या करूं बेटा, क्या करूं बताओ मुझे। अब यहां से भागकर कहां जाऊं? यहां से कहां भागकर जाऊं? नाराज तो मुझे होना चाहिए, तुम क्यों मुंह बना के बैठे हुए हो? 2 बार खाना गरम करवाया है मैंने, अब तो टेस्ट भी खराब हो गया होगा। आप भी तो मुंह बना के सोने चली गई खाना लगवा कर। अच्छा अब तो खा लो। बुरा लगा आपको? नहीं हबीब, अजीब लगा। इस चीज की जरूरत नहीं थी शायद। अगर आप कहें तो वापस बुला लेते हैं। बच्चों का खेल नहीं है, ना ही कोई सरकारी वजारत कि एक अफसर ने हुक्म दिया और दूसरे ने उसको मनसूख कर दिया। गद्दी तो बादशाहत होती है, उसका एक ही फैसला, एक ही सोच होनी चाहिए। और उसूल तो ये है ना कि मेरा फैसला तो आप मनसूख कर देते हैं, मगर आपका फैसला मैं मनसूख नहीं कर सकती। तुमने उस लड़के को भिजवा के उन लोगों के सामने मेरी जुबान तो खराब कर दी, लेकिन अगर मैं उसको वापस बुलवाती हूँ तो इस गद्दी की शान पे आंच आती है। खाना गरम करवा रही हूं, आ जाओ।